हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी। आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पिगमेंटेशन को कैसे दूर किया जाए, या फिर अगर स्किन में डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल मार्क्स है, तो उसे किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, काफी मेहनत की है। सो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी या फिर जो भी नुस्खे मैं बताऊंगी, सारी ही मैंने काफी रिसर्च के बाद मैंने ढूंढा है। ऑल्सो ये जो भी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह मैं जो भी ट्रीटमेंट बताऊंगी वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और टीनेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे टीनेजर जो मेरे व्यूअर है टीनेज में है उनसे रिक्वेस्ट आ रही थी, और मेन ऑल्सो कैन यूज, क्योंकि मेरे काफी सारे मेन व्यूअर भी है जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस तरीके का पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए कोई रेमेडी बताने के लिए, जो कि काफी ज्यादा ईजी है। तो मैं दोनों प्रोसेस को बताऊंगी, एक है होम रेमेडीज भी बताऊंगी, अगर आप होम रेमेडीज करना चाहते हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मैं मार्केट से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए भी बताऊंगी, कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट भी करूंगी, ताकि जिनके पास उतना ज्यादा होम रेमेडीज करने का टाइम नहीं है वो प्रोडक्ट खरीद लेना। सो या विदाउट फर्दर अडियो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट होम रेमेडी। अगर आप होम रेमेडी करना चाहते हैं तो काफी जल्दी आपका जो पिगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि होम रेमेडी से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो होम रेमेडीज के लिए जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है स्किन से डार्क स्पॉट्स या फिर डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए, वो है आलू। आलू का जो जूस है वो होता है बेस्ट इंग्रेडिएंट। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप संडेज को या फिर वीक में 2-3 times अगर टाइम है तो आप आलू को मैश करके उसका जो जूस है उसे निकाल लीजिए, और फिर उस जूस को आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने होल फेस पर, नेक पर अप्लाई कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर बेसन, हल्दी ऐड करके और आलू का जूस मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, उसी अपने होल फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए, 10 minutes के लिए छोड़ दीजिए। तो ये अगर आप वीकली बेसिस पर फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप आलू को स्लाइस करके ऐसे छोटे छोटे गोल गोल स्लाइसेस में कट लीजिए, और उसके बाद उसे आप अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। उस आलू के जो पीसेस मैंने बताया उसको ऐसे करके अप्लाई कर लीजिए। आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप उसी स्लाइसेस को ही अपने होल फेस पर इस तरीके से मसाज कीजिए, तो जो जूस होगा आलू का वो जूस भी आपके फेस पर अप्लाई होता जाएगा, और थोड़ा सा मसाज करने की वजह से एक्सफोलिएशन भी होगी, हल्का सा एक्सफोलिएशन होगी, जिससे कि डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन रिमूव हो सकती है। लेकिन अगर आप आलू को स्लाइस करके कर रहे हैं तो आपको शायद ये वीक में 4 या 5 times करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ही आपको अच्छा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वीक में 1 time भी कर रहे हैं फिर भी कीजिए, थोड़ी देर बाद लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है और अफोर्डेबल भी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आप मेन है, आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, फिर भी आप इस तरीके का होम रेमेडी जरूर फॉलो कर सकते हैं, विच आई बिलीव अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कर ही सकते हैं। जस्ट आलू को कट कीजिए एंड फिर उसे अपने फेस पर रब कीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सेकेंड मैं होम रेमेडी जो बताने जा रही हूँ वो आप डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं, वो है कि आप सोने से पहले अपने फेस को वॉश कीजिए फेस वॉश से, उसके बाद किसी भी आइस क्यूब को लेकर अपने फेस पर रब कीजिए, और फिर आप अपने फेस को टॉवल से ड्राई करने के बाद अपना स्किन केयर कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए एंड फिर क्रीम लगाकर सो जाइए। तो इस तरीके से आइस रब करने से ना आपके फेस काफी हद तक कूल एंड काम रहती है, आपके फेस में जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन या डार्क स्पॉट से, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। आइस क्यूब एक बहुत अच्छा रेमेडी है, होम रेमेडी है। धूप में जाने की वजह से ना डार्क स्पॉट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, सो मेक श्योर अगर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, आप धूप पर बिल्कुल भी ना जाए, मतलब आप जा सकते हैं लेकिन अपने फेस या उन एरियाज जहां पर पिगमेंटेशन है उस एरिया को आप कवर कीजिए, हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, धूप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही डार्क स्पॉट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से अगर आप धूप में गए भी है दिन में तो रात को वो आइस क्यूब लगाने से ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो ये तो होम रेमेडीज मैंने बताया है, और जो थर्ड होम रेमेडीज है वो है उपटन। उपटन एक बहुत पुराना नुस्खा है, और हम ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, सो पुरानी चीजों से ही नए चीजें बनते हैं।
तो आप उपटन को पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। उपटन से पिगमेंटेशन काफी जल्दी रिमूव हो जाती है। जैसे मैंने बताया, बेसन और हल्दी को मिक्स करके रोज वाटर के साथ, कच्चा दूध के साथ या फिर नॉर्मल वाटर के साथ ही मिक्स करके अप्लाई कीजिए। दही ऐड कर सकते हैं आप, खट्टा दही, दही ऐड करके उसे मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, आलू का जूस ऐड कर सकते हैं, तो उसे अपने होल फेस पर एंड नेक पर अप्लाई कीजिए। फिर 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर वॉश ऑफ इन नॉर्मल वाटर। ये आप वीक में 2 to 3 times या डेली बेसिस पर भी, जैसा आपका टाइम है, जैसा आपकी शेड्यूल है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये भी काफी एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आपकी स्किन पिगमेंटेशन रिमूव होती है। सो ये हो गए होम रेमेडीज सेक्शन। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मार्केट से खरीदे हुए कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस प्रोडक्ट को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं हो, क्योंकि फिर हार्श हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल करने से ना पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं। तो मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ इनवेदा। इनवेदा ब्लेंड, ये जो एंटी पिगमेंटेशन ब्लेंड है ना, ये मेरे पास एक था जो ग्लो के लिए था, वो भी बहुत अच्छा है। और ये एंटी पिगमेंटेशन के लिए, जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने एंटी पिगमेंटेशन का जो किट है वो मैंने परचेज किया है। तो ये आप अपने फेस पर, क्लीन फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, रात को सोने से पहले आईज को रब करने के बाद फेस को टॉवल ड्राई कीजिए, उसके बाद आप इसे डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो किसी भी क्रीम के साथ इसे 2 to 3 drops मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्रीम के साथ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, डायरेक्टली मेरे फेस पर सीरम्स या ब्लेंड उतना ज्यादा सूट नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, ये इनवेदा का ये जो क्रीम है ना, इस क्रीम के साथ मैं इसे 2 to 3 drops मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। सो ये क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रीम काफी अच्छा है। ये व्हाइटनिंग एंड डी पिगमेंटेशन एक क्रीम है जिसके अंदर लेमन, टर्मरिक है। तो टर्मरिक, लेमन, ये सब ना आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है। और ये आप बस जस्ट अपने होल फेस पर दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगर आप कोई फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो कि एंटी पिगमेंटेशन और एक प्यूरिफाइंग फेस वॉश है, तो इनवेदा का ये जो किट है इसके अंदर आपको फेस वॉश भी मिलेगा। ये है नीम एंड गोटोकोला फेस वॉश। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है और ये आपके फेस से किसी भी तरीके का डर्ट को तो रिमूव करता ही है और ये पिगमेंटेशन को लाइटन करता है, डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन करता है। तो ये जो एंटी पिगमेंटेशन किट है, आप इस किट को परचेस करने से ही आपका जो पूरा काम है वो हो जाएगा। इस किट को अगर आप डेली बेसिस पर अपने स्किन के रूटीन में फॉलो कर रहे हैं तो आपकी पिगमेंटेशन काफी हद तक रिड्यूस होगी। और नेक्स्ट, आप अगर दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इज मस्ट। जैसे मैंने कहा, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन इज ऑलवेज मस्ट। तो इनवेदा का ये सनस्क्रीन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है सनस्क्रीन जेल, ये जेल फॉर्म में है। ये है SPF 30 PA++ का आपको प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर कोई व्हाइट रेसिड्यू नहीं होगा, स्वेटी सा फेस नहीं होगा और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। सो आप लोग देख सकते हैं, ये जो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो काफी लाइट वेट फॉर्मूला है। सो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी इंस्टेंटली। देखिए, कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ये इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन मैंने इस्तेमाल किए हैं जो व्हाइट कास्ट छोड़ता है, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड द फ्रेग्रेंस इज सो गुड, मतलब नेचुरल एक फ्रेग्रेंस है। सो या इसमें भी किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, तो आप इनवेदा का ये जो एंटी पिगमेंटेशन रेंज है इसे ट्राई कर सकते हैं। और सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स ना मैंने इस्तेमाल किया है एंड फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे स्किन पर भी कभी कभार अगर पिंपल वगैरह हो जाते हैं तो स्पॉट तो छोड़ जाता है ना, तो स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए मुझे इस तरीके का किट इस्तेमाल करना पड़ता ही है। और जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोज आर ऑल्सो रियली इफेक्टिव। इन दोनों को मिक्स करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन क्रीम्स, फेस वॉश को इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ जो नुस्खे मैंने बताया उसे भी आप फॉलो कीजिए और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।